सिंपल क्यों। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड फैंटास्टिक वीडियो। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं रोटो मैरी जनेवा की। ये वाकया है न्यूजीलैंड में। तो नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या है रोटो मैरी जनेवा। इतने हैरान मत होइए, चलिए हम आपका तजस्सुस खत्म किए देते हैं। नाज़रीन, ये है एक झील, पर इसमें क्या है ऐसा जो इस झील को बना देता है दूसरी झीलों से मुमताज। नाज़रीन, झीलें तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, पर यह झील कोई मामूली झील नहीं है। ये झील है शीशे की तरह शफाफ। इस झील की तमाम तर खसूसियात जो इसे दूसरी झीलों से मुमताज बनाती हैं, और ये कैसे मार से वजूद में आई, हम आपको इसकी सारी तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी झील की तरफ, रोटो मैरी जनेवा। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिएगा। नाज़रीन, मीठे पानी की ये झील, जिसे नीली झील या ब्लू लेक भी कहा जाता है, नेल्सन लेक्स नेशनल पार्क में मौजूद है, जो ग्लेशियर की लैंडस्लाइडिंग की वजह से वजूद पसीर हुई है। इसमें पड़ोस में मौजूद झील का पानी भी आता है, और वो झील भी बर्फानी तोता पिघलने से मार से वजूद में आई। इसमें कुदरती तौर पर फिल्टर का एक ऐसा निजाम मौजूद है जो तमाम ज़रात को रोक लेता है, और झील का पानी शीशे की तरह शफाफ रहता है। नाज़रीन, न्यूजीलैंड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च के साइंसदानों ने इस झील का तफसीली मुआयना किया। इसके बाद इस झील के पानी को डिस्टिल्ड पानी की तरह करार दिया, जो बहुत साफ दिखाई देता है। इस तरह ये इस जमीन पर पाई जाने वाली सबसे शफाफ तरीन झील भी है। नाज़रीन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च के माहिर आप रूप मैरिलस ने सबसे पहले इस झील पर तहकीकाती काम किया। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे शफाफ झील कहा, और इस पर कई तजर्बात किए, और दुनिया की कई शफाफ झीलों से इसका मुवाजना भी किया, जिसमें एक तजर्बा ये भी है कि उन्होंने स्याह रंग की 1 मीटर कतर की तश्तरी को एक तैरते हुए ऑब्जेक्ट से बांधकर इसे पानी में डुबो दिया, और इसे झील में दूर तक ले जाया गया। जिस दूरी पर यह नजरों से ओझल हो गई, इसे शफाफियत का पैमाना करार दिया गया। नाज़रीन, तजर्बा से मालूम हुआ कि झील के अंदर किसी शय को दूर तक देखने की शरह 70 से 80 मीटर है, और इसी बिना पर इसे दुनिया की सबसे शफाफ झील का दर्जा दिया गया। दूसरी जानब, इसके पानी का मियार भी बहुत उमदा है। इस झील के किनारे एक कदीम आबादी का एक कबीला रहता है, जिसे मावी कहा जाता है, और इस झील में किसी को भी कदम रखने की इजाजत हरगिज नहीं है। ताहम एक वाकया में इसकी इजाजत दी गई। 2013 में डेनमार्क के फोटोग्राफर और माहिर माहौलियात क्लाउस थाइमान को इस कबीले ने इस झील तक जाने की खसूसी इजाजत दी थी, और इसके बाद ही झील की तमाम तर खूबसूरत तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई। नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।